ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की कल देर रात तबीयत खराब हो जाने के बाद IGMS में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की 7 सदस्यीय मेडिकल टीम बनाई गई। टीम लगातार विजेंद्र यादव की निगरानी कर रही है। डॉक्टर के अनुसार उनके हार्ट की जांच की जा रही है। सांस लेने में तकलीफ है और यह पोस्ट COVID-19 तक असर दिख रहा है। तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की कल देर रात तबीयत खराब हो जाने के बाद IGMS में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की 7 सदस्यीय मेडिकल टीम बनाई गई है। टीम लगातार विजेंद्र यादव की निगरानी कर रही है। डॉक्टर के अनुसार उनके हार्ट की जांच की जा रही है। सांस लेने में तकलीफ है और COVID-19 का जो बात का असर है वो दिख रहा है। तो मंत्री विजेंद्र यादव की तबीयत खराब, IGMS में भर्ती कराया गया। ऊर्जा मंत्री हैं, डॉक्टर की 7 सदस्यीय टीम मंत्री विजेंद्र यादव की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। देर रात जब तबीयत खराब हुई थी तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ है, सीने में तकलीफ है। बहरहाल डॉक्टर की जो 7 सदस्यीय टीम है लगातार उनके स्वास्थ्य स्तर की निगरानी कर रही है और मेडिकेशन किया जा रहा है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, विजेंद्र यादव की तबीयत खराब है, क्या तकलीफ है उन्हें और किस तरीके से इलाज चल रहा है? देखो, कल रात में उन्हें लगभग 10 बजे रात के आसपास उनको भर्ती कराया गया था IGMS में। जहां अभी जो मेरे पास जानकारी है, IGMS के डायरेक्टर ने 7 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया है, मेडिकल बोर्ड का। उनसे जांच की जा रही है, उनके हार्ट की जांच कल रात में भी की गई थी, आज भी जांच की जा रही है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि पोस्ट कोविड, क्योंकि इनको कोरोना हुआ था तो पोस्ट कोविड का असर इनके हार्ट में पड़ा है। हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसकी उसकी स्पीड कम हो गई है, तो ये चिंता की बात है। और लगातार जांच के बाद कल से इलाज किया जा रहा है, लगातार टीम लगी हुई है। डॉक्टर का कहना है कि कल जो परिस्थिति थी उसमें बदलाव हुआ है और उनके सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन हार्ट का मामला है इसलिए अभी लंबे समय तक हो सकता है विजेंद्र यादव को IGMS पर रहना पड़ेगा और लगातार डॉक्टर के द्वारा। चलिए, बिल्कुल, तो डॉक्टरों की निगरानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मरकू।